हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुंबई हाउसिंग अमित दुबे यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज हम देखने वाले हैं 2BHK का 750 स्क्वायर फीट यूजेबल कारपेट का फ्लैट MICL हाई पार्क कॉम्प्लेक्स का, जो कि 35 स्टोरेज का टावर है मीरा रोड लोकेशन में, जिसमें हम देखेंगे हायर फ्लोर का प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, महारेरा से अप्रूव्ड है और इसका आया हुआ है OC और काफ़ी नज़दीक है हाईवे से, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। आप देख पा रहे हैं ये पूरे वीडियो में, और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये इंट्रेंस लॉबी बिल्डिंग का, जो कि हाइट जिसका मिलता है आपको 42 फीट। अगर हम बात करें दोस्तों तो मीरा रोड का सबसे हाइटेड आपको जो इंट्रेंस लॉबी मिलता है वो MICL प्रोजेक्ट का मिलता है, और काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन के साथ में बनाया हुआ है ये प्रोजेक्ट को। इसका नाम है हाई पार्क। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों बिल्डिंग का इंट्रेंस लॉबी, जो कि डबल हाइटेड आपको मिलता है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पे सामने मिलता है आपको सिक्योरिटी डेस्क, और यहाँ पे आपको मिलता है वेटिंग एरिया, दोनों साइड आपको वेटिंग एरिया मिलता है। और दोनों तरफ से आपको बिल्डिंग एंट्रेंस गेट है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस साइड से भी और इस साइड से, दोनों साइड से आप इंटर कर सकते हो बिल्डिंग में। सो व्यूअर्स, चलते हैं हम सीधे फ्लैट के अंदर, और यहाँ पे आप आ गए दोस्तों कॉरिडोर में, और यहाँ पे आपको मिलता है 3 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको 2BHK के 3 अपार्टमेंट और 1BHK के 1 अपार्टमेंट और 3BHK के 1 अपार्टमेंट मिलते हैं आपको। सो व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं फ्लैट के अंदर, और ये आप देख रहे हैं लिविंग एरिया, जिसका साइज़ आपको मिलता है 10x16.9 का, और साथ ही अटैच है दोस्तों डाइनिंग एरिया, आप देख पा रहे काफ़ी स्पेसियस फ्लैट है दोस्तों। और यहाँ पे आपको मिलता है बालकनी भी, जिसका साइज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बालकनी का साइज मिलता है 4x9x8.6 का, काफ़ी ओपन व्यू के साथ में। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क का व्यू मिलता है और सिटी व्यू मिलता है आपके फ्लैट के अंदर से, और ये आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी स्पेसियस आपको बालकनी मिलती है यहाँ पे। और ये दोस्तों मीरा रोड का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, और बिल्डिंग के सामने 60 फीट का रोड आपको मिलता है, और यहाँ से दोस्तों वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप हार्डली आपको 50 मीटर के वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एक्सेस मिल जाता है, मेट्रो स्टेशन का एक्सेस मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों ये मीरा रोड का। और अभी हम देख रहे हैं दोस्तों किचन एरिया, जो कि मिलता है आपको फुल्ली मॉड्यूलर किचन अपर लोअर कैबिनेट के साथ में दोस्तों, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अटैच है एक ड्राई बालकनी, जो कि आपको वॉशिंग मशीन रखने के काम आएंगे दोस्तों। और इसके साथ में भी आपको काफ़ी ओपन व्यू मिलता है, आपको सिटी व्यू और नेशनल पार्क व्यू दोनों मिलता है आपको यहाँ से, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बना के बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, मैं बता दूँ ये इन्वेस्टर का फ्लैट है, जो कि अभी हमको सेल करना है, और ये अनटच फ्लैट है एज इट इज़, यहाँ पे बिल्डर ने ओनर को प्रोवाइड किया था। और अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कॉमन वॉशरूम, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम का जो साइज़ आपको मिलता है 6x11x4x6 का मिलता है, और यहाँ पे जो आपको सीपी फिटिंग मिलती है वो आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड जैसे ब्रांड का आपको सीपी फिटिंग बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है आपके वॉशरूम में। और अब हम चलते हैं दोस्तों कॉमन बेडरूम में, और अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कॉमन बेडरूम, यहाँ पे कॉमन बेडरूम का जो साइज़ आपको मिलता है वो 10x11 का मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों ये MYON टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, तो जनरली बिल्डर आपको AC का प्रोविज़न बना के देते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डर आपको 1BHK में 2 AC, 2BHK में 3 AC और 3BHK में आपको 4 AC लगा के देते हैं, एक लिविंग एरिया में और बाकी बेडरूम में। और यहाँ पे दोस्तों कॉमन बेडरूम से आप देख पा रहे काफ़ी ओपन व्यू, जैसा कि आपने लिविंग एरिया किचन एरिया से देखा वैसा ही व्यू आपको यहाँ पे मिलता है आपको कॉमन बेडरूम से। और यहाँ पे आप भी आपने देखा दोस्तों कॉमन बेडरूम। अब हम चलते हैं दोस्तों मास्टर बेडरूम में, और यहाँ पे आपको मिलता है फॉयर एरिया, और यहाँ पे आपको मिलता है मास्टर बेडरूम, काफ़ी बड़ा साइज़ में आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम मिलता है। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको बालकनी भी मिलता है, और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पे भी आपको AC लगा के मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों मास्टर बेडरूम से जो अटैच है बालकनी, और यहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं जो व्यू आपको मिलता है, यहाँ पे आपको सिटी व्यू और नेशनल पार्क व्यू दोनों मिलता है आपके मास्टर बेडरूम से भी। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको छज्जा मिलता है 2 फीट का लगभग, आपको छज्जा मिलता है आपको मास्टर बेडरूम, कॉमन बेडरूम, किचन और लिविंग एरिया में। और अभी हम देख रहे हैं दोस्तों मास्टर बेडरूम का मास्टर टॉयलेट, और यहाँ पे जो मास्टर टॉयलेट का जो साइज़ आपको मिलता है
वो आपको मिलता है 7x4.6 का, काफ़ी स्पेसियस है दोस्तों। और यहाँ पे भी आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड जैसे ब्रांड का सीपी फिटिंग मिलता है आपको मास्टर बेडरूम में भी। और सो अब हम चलते हैं दोस्तों सीधे एमिनिटीज सेक्शन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है स्टेयरकेस, तो दो स्टेयरकेस, काफ़ी स्पेसियस स्टेयरकेस मिलता है आपको। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी स्पेसियस स्टेयरकेस यहाँ पे आपको दो मिलता है और साथ ही तीन लिफ्ट। और अभी हम आगे दोस्तों पोडियम लेवल 2 पे, और यहाँ पे आपको मिलता है बाकी सारी एमिनिटीज़, आप देखिए पूरा वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों अगर आपको साइट विजिट प्लान करना है इस प्रॉपर्टी का, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। या इनकेस दोस्तों अगर आपको भी आपकी प्रॉपर्टी सेल करना है या रेंट आउट करना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो 6 टावर का है, तो जिसमें 4 टावर का बिल्डर ने ओसी के साथ 16 महीने पहले पजेशन दे दिया, और 2 टावर जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो कुछ एमिनिटीज़ ऐसी भी है जो अभी फंक्शनल नहीं है, जो कि टावर ई और एफ में आता है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके नीचे जो भी एमिनिटीज़ है वो अभी फंक्शनल नहीं है, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल हो गया। तो दोस्तों आप देखिए ये पूरा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।